भाइयों, आजकल सब ऑनलाइन कम मिल रहे हैं। लगता है सब जाले साफ कर रहे हैं। हैप्पी दीपावली। भैया, करवा चौथ पर पूजे जाने वाले देवता आजकल घर की खिड़कियों, दरवाजों, पंखों को साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसी प्रभु की लीला है। भाइयों, कार चलाते वक्त सीट बेल्ट और बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने। करवा चौथ के भरोसे मत रहे। भाइयों देख लो, सर की भी देख लो, दिखा रहे हैं गाड़ी। भगवान का दिया हुआ लठ भी है, डंडा भी है और जूता भी है। बस कमी है तो दिवाली पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण का ज्ञान देने वालों की है। भाइयों, दिवाली आने वाली है। पत्नियों ने काम वाली बाइयों के साथ साथ पतियों को भी मुस्कुरा कर देखना शुरू कर दिया है। पत्नी पति से, मुझे अम्मा जान से साड़ी मंगवा दो। पति, अरे बेवकूफ औरत, वो अम्मा जान नहीं, अमेजन है, अमेजन। मुझे इग्नोर मत किया करो दोस्तों, मेरा छोटा सा दिल है, फटाफट गालियां देने लगता है। आजकल की लड़कियां बेशक 56 भोग बनाना जाने या ना जाने, लेकिन सेल्फी खींचते समय 56 प्रकार के मुंह बनाना जरूर जानती हैं। भाइयों, पहले 2 लोग लड़ते थे तो तीसरा छुड़वाने आ जाता था, और आजकल तीसरा वीडियो बनाने लगता है। भाइयों, पत्नियां संस्कारों वाली होती हैं। वो कभी भी सबके सामने अपने पति को अबे गधे, ओए गधे, सुन गधे नहीं बोलती, इसलिए वो शॉर्ट में कहती हैं, ए जी, ओ जी, सुनो जी। क्या आपको पता है, आत्मा नाम के लड़के की शांति के साथ शादी हो गई, तब जाकर कहीं उसकी आत्मा को शांति मिली। भाइयों, पत्नी को इतना गुस्सा रोते हुए बच्चे को देखकर नहीं आता, जितना कि आराम से सो रहे पति को देखकर आता है। भैया, आजकल की शादीशुदा जिंदगी में मियाँ बीवी एक दूसरे को तो टच कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के मोबाइल फोन को नहीं। हाँ ठीक कही, हाँ बताइए प्लीज। 35 मिनट से पेट्रोल की लाइन में एक लड़की अपनी स्कूटी लेके खड़ी थी। जब उसका नंबर आया तब उसे बताया गया, आपकी स्कूटी इलेक्ट्रिक है।